बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, वो है चिकन स्प्रिंग रोल की। उसके लिए ये मैंने श्रेड किया हुआ चिकन लिया है, बंद गोभी, गाजर, हरी प्याज और इसके अलावा शिमला मिर्च। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी लेके ये इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है और इसे हमने फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर लेने के बाद ये मैंने श्रेड किया हुआ चिकन इसमें डाल लिया है और इसे भी थोड़ा सा इसमें भून लेना है। अब इसमें ये लाल मिर्च पाउडर और नमक ये हम डाल लेते हैं। मिक्स कर लिए। ये पिसी हुई काली मिर्च ये भी हमने इसमें शामिल कर दी है, इसे भी हमने मिक्स कर लिया। अब ये बंद गोभी हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ में ये गाजर, ये हरी प्याज और शिमला मिर्च ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इन सब्ज़ियों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब्ज़ियाँ मिक्स करने के बाद ये मैंने 4 चम्मच सोया सॉस के लिए वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 2 चम्मच सिरका लिए वो भी इसमें डल जाएगा। इसे मिक्स करके अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए अब हम इसे दरमियानी आंच पे रख देंगे। ये सब्ज़ियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इसमें एक हल्का सा क्रंच है। इसे हमने ठंडा करके दूसरे बर्तन में डाल लिया है और अब हम इसके रोल बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने रोल पट्टी ले ली है और अब ये सारा मटेरियल इसमें फिल करके इसके हमने रोल बनाने हैं। इसमें मैंने अच्छी खासी सब्ज़ियाँ डाली हैं क्योंकि मेरे बच्चे सब्ज़ियाँ शौक़ से नहीं खाते, लेकिन इस तरह अगर रोल्स और समोसे में ये डल जाएँ तो वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। ये पट्टी में हमने ये मटेरियल फिल करके ये इसको हमने साइडों से मोड़ के ये एक दफ़ा इसको फिर मोड़ लिया है और अब इसमें ये हम मैदे की लई लगा लेंगे। और इस तरीके से हमने ये रोल बना लिए। ये दूसरा रोल भी हमने ऐसे ही बना लिए और इसी तरीके से हमने सब रोल बना लिए हैं। ये हमारे चिकन स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार हो गए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।
रोल्स में भी मैंने हर तह के दरमियान एक प्लास्टिक की शीट बिछा दी है ताकि ये रोल्स आपस में चिपके नहीं। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें।